देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिक मकसद ये था कि विक्रम सिंह मजीठिया की फैमिली के द्वारा एक जो सिख एजुकेशनल हेरिटेज सोसाइटी है, खालसा कॉलेज सोसाइटी, उसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करके और इसका सब कुछ 5 साल में ट्रांसफ़र करके, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा देहात के गरीब लोगों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके बच्चों की एक इंस्टीट्यूट बनाई गई थी, उसे किस तरह से जो इनका लैंड माफिया उसके हाथों में लेना है। और उसके खिलाफ 2008 में और 2015-16 में एक बहुत बड़ी एजिटेशन हुई थी, जिसमें इस बात को अपोज किया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी उसमें इस फैमिली का गलबा था और सुखबीर सिंह जी बादल, हरसिमरत कौर बादल, सत्याजीत सिंह जी मजीठिया, मिसेज असमंजस कौर मजीठिया, विक्रम्स मदर, गुरमेर सिंह मजीठिया, विक्रम्स ब्रदर एंड विक्रम सिंह मजीठिया हिमसेल्फ, दे आर मेंबर्स। सिमिलरली चरणजीत सिंह चड्डा, एक्स लिकर बैरन, हिज फैमिली इज मेंबर्स, एंड रजिंदर मोहन सिंह शीना, हु इज़ आरएसएस लीडर, हिज फैमिली इज मेंबर्स। सो दे आर ट्राइंग टू यूज, ये जितने जो खालसा कॉलेज चैरिटेबल सोसाइटी है, जो एक पब्लिक बॉडी है, उसे अपने हाथों में लेके उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी और हेरिटेज उस पर जो है वो कंट्रोल करना और उसे अपने हाथों में लेना, ये है जिसे खालसा कॉलेज के स्टूडेंट, स्टाफ और नॉन टीचिंग, फॉर्मर प्रिंसिपल्स और जो भी वेलविशर है, एलुमिनी और पंजाबी डायस्पोरा, दे हैव अपोज्ड इट। उन्होंने सब ने इसका बहुत विरोध किया है, और वो विरोध और वो जो जितनी वो जानकारी है, क्योंकि छोटी छोटी बातें तो होती रही हैं, डिटेल्ड में वो जानकारी आज तक नहीं दी जा सकी, उसके लिए क्योंकि मैं खालसा कॉलेज का ओल्ड स्टूडेंट भी हूँ और खालसा कॉलेज गवर्निंग काउंसिल का मेंबर भी रहा हूँ 1995 से 2005 तक, तो सबकी भावनाओं को पब्लिक, आपके माध्यम से पब्लिक तक पहुँचाने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ये देखिए, ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 2008 वाले धरने में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो आज हमारे सीएम हैं, और उसके बाद उन्होंने जिस वक्त दोबारा एजिटेशन 15-16 में शुरू हुई, तो वो वहाँ गए भी थे, उनको एंटर करने से भी रोका गया था, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने कमिटमेंट की थी स्टूडेंट्स और स्टाफ के साथ कि अगर इन्होंने ये फोर्सिबली की, क्योंकि इनके पास ब्रूट मेजॉरिटी थी बीजेपी और अकाली अलायंस के पास, तो इसे स्क्रैप किया जाएगा और खालसा कॉलेज के जो हेरिटेज स्टेटस को रिसरेक्ट किया जाएगा, उसे दोबारा जो है उसी तरीके से, तरीकाकार से चलाया जाएगा जैसे वो पहले चलते रहे हैं, ताकि वो लोगों के जो गांवों के देहात के जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों के लिए वो इंस्टीट्यूशन अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव से इधर उधर डेविएट ना हो। हाँ, क्योंकि इन्होंने ये जो हर साल वो देखिए, उसमें सत्याजीत सिंह मजीठिया और रजिंदर मोहन सिंह शीना और चरणजीत सिंह चड्डा और इनकी फैमिलीज, क्योंकि इन्होंने गवर्निंग काउंसिल में पहले सिस्टम को, इलेक्शन प्रोसेस को फ्लोट करके, वायोलेट करके अपने 60 मेंबर फैमिलीज़ के, रिलेटिव्स के और इन जो इनके बहुत क्लोज हैं उनको इन्होंने किया है, और उसके बाद इन्होंने विदाउट रेजोल्यूशन ये सारा कुछ किया है, तो ये स्क्रैप होनी चाहिए। हर आदमी इसके अगेंस्ट है। दैट जेंटलमैन वॉज ऑल्सो हैंड इन ग्लव विद मिस्टर शीना। नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, खालसा कॉलेज ऑलरेडी हैज एन ऑटोनमस स्टेटस विच इज इक्वल टू यूनिवर्सिटी, सो बेसिकली दिस इज ओवरलैपिंग, वन इज GNDU एडजॉइनिंग वॉल एंड खालसा कॉलेज ऑटोनमस कॉलेज अगेन हैविंग ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, एंड वेयर वॉज द नीड,
We are not against the university. University should have been at a separate place. ऑलरेडी यही आज का जो है हमारा प्रेस नोट है यही है कि हमने यही डिमांड किया है कि इस पे सबसे पहले तो इन पे FIR रजिस्टर होनी चाहिए, एक सिट बैठनी चाहिए जो 10 साल इनकी वर्किंग को देखे, और इस ये क्योंकि चैरिटेबल सोसाइटी है इसे बंगल करने की कोशिश जो हुई है उसके लिए इसे इमीडिएटली गवर्नमेंट टेक ओवर करे और इलेक्शन मैनेजर लगवा के इसका फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए विच इज़ ड्यू इन मार्च, और जो कुछ पिछले समय में हुआ है, जो एम्प्लॉयमेंट हुई है, जो इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के ख़िलाफ़ हुई है उसकी भी इंक्वायरी हो, और सारे कुछ के बाद ये जो है इन पे जो 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 लीगल इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट जो एक्शन है वो इनके अगेंस्ट लिया जाए।